सर कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह जरूरी है और सर ये दो प्रकार से होती है, एक होती है जो हम डेली सबसे बात करते हैं, एक होती है प्रोफेशनल। हाँ। तो सर मुझे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं पर्सनली प्रोफेशनली किसी से बात करने लायक हूँ। हाँ मैं सबसे बात कर लेता हूँ पर प्रोफेशन में अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस लाइक मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ। और सर कम्युनिकेशन में बहुत सारी लैंग्वेजेज है लेकिन एक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जाता है। आज अगर मैं बोलूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मतलब मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरे पास इंग्लिश की स्किल है, इंग्लिश की स्किल है तो भी सर, बट उनके पास इंग्लिश का कम्युनिकेशन है जिसके वजह से आप हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर क्या हस्ती है, वो कहाँ पर है और आज वो क्या कर रहे हैं। बस वही प्रॉब्लम है सर, आज हम ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, मास्टर्स हैं बट इंग्लिश नहीं है हमारे, अपने शहर में देखते हैं इंग्लिश बहुत वीक है। मैं भी अगर अपनी भी बात करूँ तो मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक है, उसको मैं सुधारना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन तो ऐसा है सर कि अब इंटरव्यू का बस से नहीं होता, एक बार जॉब में आने के बाद भी कम्युनिकेशन हर जगह चाहिए। अगर आप बोल नहीं पा रहे आपके पास काम बस है तो आप नहीं सक्सेस कर पाओगे। बहुत बढ़िया, ठीक है तालियां उनसे, बहुत सुनते के बाद आप बताइए कहाँ कम्युनिकेशन जरूरी है। मैं एक मिनट सर। आ जाओ जाओ बैठो, डर मत, फोन अपने पास रख लो। पर्सनल लाइफ और कम्युनिकेशन जरूरी है। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या मैं टीचर पे अपनी बातें रखना चाहता हूँ कम्युनिकेशन का रोल क्या आपको समझ में आया सर? सभी जगह बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटरव्यू में हो या शिक्षक के सामने अपनी बात रखना हो। वैसे भी चारों तरफ की कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है क्योंकि किसी से भी बात करने के लिए हमें बात करने का तरीका बनना चाहिए। ठीक है और कुछ? ठीक है बैठ जाइए, आप बताइए। हाँ आप बताइए, आप नाम मुझे याद बताइए, क्या नाम है? साक्षी। साक्षी जी आप बताइए कम्युनिकेशन कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, रोल बताइए। सर कम्युनिकेशन के दो पहलू होते हैं, एक स्पीकर होगा और एक रिसीवर होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, जब अपन अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो रिसीवर के पास कैसे पहुंचे। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ बाय कम्युनिकेशन वी एक्सप्लोर आवर थॉट्स, आवर व्यूज, आवर ओपिनियंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, साक्षी के लिए एक बार ताली से बधाई चाहूँगा। हैंड मूवमेंट के साथ में था, आपके हैंड मूवमेंट भी कम्युनिकेशन में देखे जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट के हमारे जो दो बच्चे और हैं तो स्टार्ट कर लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर लो, आप पता है फिर आप बताए, बताइए आपके लिए लेवल पे कम्युनिकेशन क्या है। हाँ बहुत बढ़िया, तो लास्ट आप भी बता दें उसके बाद फिर अब आपके कुछ कम्युनिकेशन में मेन नोट्स पे मैं आज बात करूँगा, बताइए। जैसे कहीं भी किसी सेक्टर में हम अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा बोलने का तरीका मतलब अलग होना चाहिए कि सामने वाले को सुनने में भी मतलब लगे कि यहाँ कुछ बंदा बोल रहा है, उसको समझ में आए तो हमारी बात मानेगी। और कोई भी जगह पे हम अगर जाते हैं वहाँ पे अगर अपनी बात अच्छी इस तरीके से रखते हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का तरीका क्या है, इस वजह इस बेस पे वो हमारी बात माने और हमारी बात पे आगे वो करे। ठीक है, तो आप लोग सबने अपनी राय रखी। अब कम्युनिकेशन में पढ़ाई के साथ आपको दो लेवल का कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लेवल आपका होता है बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन और सेकेंड लेवल आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो एज स्टूडेंट आपको बॉडी लैंग्वेज और वर्बल कम्युनिकेशन पे आज मैं एक ब्रीफ लेक्चर देने वाला हूँ,
जिसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कर लें और अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके बॉडी लैंग्वेज के बारे में। कम्युनिकेशन का सबसे पहला आस्पेक्ट वैसे तो हम लोग कहते हैं वर्बल, लेकिन वर्बल पहला नहीं होता, पहला होता बॉडी लैंग्वेज। आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर मैं आपके बारे में कुछ राय पहले ही बना चुका होता हूँ, जो राय आपसे बात करने के बाद मेरी या और बुलंद हो सकती है या और वो कमज़ोर हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जब किसी इंटरव्यू पे फेस करने के लिए जाते हैं या किसी बैंक से मान लीजिए आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं कि आपके एक स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करना है, या पिताजी से मान लीजिए थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए आप बात करने जाते हैं, तीनों ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हैं। शायद ये आपको बता दिया, आपके पापा से बात की, पापा 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, या 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए मुझे MBA या MCA या कोई बड़ा कोर्स करना है, या 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए मुझे PhD करना है। आप पिताजी से जब ये बात करेंगे और बैंक मैनेजर से जब ये बात करेंगे या फिर आप बात करेंगे किसी अदर पर्सन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर मान लीजिए बड़ी ढीली टाइप की मुझे समझ में आई तो देखिएगा पैसा होते भी आपको मना कर दिया जाएगा। ज़्यादातर ध्यान रखना आपको इन्वेस्टमेंट मिलता क्यों नहीं है मार्केट से, आपके पिताजी आपको इन्वेस्टमेंट देते क्यों नहीं है, इसका मेन कारण क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही अगर ढीली है तो सामने वाला ने पहले बॉडी लैंग्वेज देखा, कम्युनिकेशन नेगेटिव जा चुका है। आपने बात की कि सर आई वॉन्ट टू बिल्ट अ फैक्ट्री, लेकिन पापा ने देखा, बैंक मैनेजर ने देखा कि इसके बॉडी में कुछ ताकत तो है ही नहीं, शक्ल में बहुत उदासी छाई हुई है और कोई भी जो है